पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। उसकी हर गतिविधि पर दृष्टि बनाए रखना। हरिओम। सरकार अब किसकी जासूसी हो रही है? और किसकी? उस सतेश्वर महाराज की। सरकार हर बार सिर्फ मुनाफा कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, कई बार नुकसान से मुक्ति पा लेना भी उतना ही जरूरी होता है। सतेश्वर के पीछे पड़ने का मतलब है हमारा समय व्यर्थ नष्ट करना, जबकि इस समय हमें हमारा पूरा ध्यान मिल को देना चाहिए, उसका मुनाफा बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, जो कि सारे मजदूरों को काम पे वापस लेने की वजह से कम हो रहा है। आपका क्या जाता है बलवंत जी? इस गांव का मुखिया हूं मैं, और सतेश्वर ने शिरडी में आकर मेरा अपमान किया है, ऐसे कैसे जानूं कि उसे? स्वान रूप संसार है, भुंकन दे झक मारी। कुत्ते के भौंकने से हाथी को क्या फर्क पड़ता है? और वैसे देखा जाए तो वो आदमी हमारा फायदा ही कर रहा है। वो शिरडी के युवाओं को प्रभावित करके अपने साथ ले रहा है। इसका मतलब है वो उतने लोगों को साई और उसकी शिक्षा से दूर कर रहा है, और इसके बदले में हमें उसे कुछ देना भी नहीं पड़ रहा है। अरे ओ तो सरकार, हमें उस सतेश्वर पर निगरानी रखनी है या नहीं रखनी? छोड़ूंगा नहीं उस सतेश्वर को। कुलकर्णी सरकार अपना अपमान कभी नहीं भूलता है। वो कितना भी अच्छा क्यों ना बन ले, लेकिन ये तो तय है, अच्छाई से इतना बड़ा और इतना प्रभावशाली गुरु कोई नहीं बन सकता है। उसका भी इतिहास होगा, उसकी भी कोई ना कोई दुखती रग होगी। एक बार हमें वो रग मिल जाए तो उसे ऐसा दबाएंगे कि वो हमसे माफी भी मांगे और हमारे पास में भी आ जाए। एक बार वो बस में आ गया तो उसके सहारे उस फकीर को मैं शिरडी से बाहर फेंक दूंगा हमेशा के लिए। हरिओम। साईं, मल्हार कल घर आया था, कह रहा था कहीं जा रहा है। हमने पूछा कहाँ जा रहा है, कब आएगा, उसने ठीक से कुछ नहीं बताया। उसने तो हमें ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि वो प्रेम सैनिक बन गया है। ये तो हमें अभी आपसे पता चल रहा है सही। इसका मतलब साफ है माई, मल्हार का दिल जानता है कि उसका फैसला सही नहीं है। जाने दीजिए साईं, अगर हमारे बेटे को हमारी परवाह नहीं तो हम भी जी लेंगे उसके बिना। हम भी यही सोचेंगे कि हमारी कोई संतान थी ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है उसे कि हम पर क्या बीत रही है? क्या फर्क पड़ता है कि उसके बिना गाय ने चारा खाया या नहीं खाया, दूध दिया या नहीं दिया? आप तो जानते हैं साईं, हमारा गुजारा दूध बेचकर ही होता है, और ये गाय तब तक दूध नहीं देती जब तक कि वो मल्हार की बांसुरी की आवाज न सुन ले। हम भूखे मर जाएंगे तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा साईं। श्रद्धा और सबूरी रखो राजेश्वर, और हिम्मत ना हारो। महाराज,
ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। मल्हार ने आप सब के बारे में मुझे बताया है। आइए। मल्हार जी। महाराज तुमने कभी मल्हार को दिया था और मल्हार ने हमें दिखाया। इससे सुंदर शिल्पकारी हमने आज तक नहीं देखी, बड़े बड़े शहरों में भी नहीं। ऐसा लग रहा है मानो असली गाय है। तुम तो एक महान शिल्पकार हो राजकिरण। आप सच कह रहे हैं महाराज? बिल्कुल। अगर तुम प्रेम सैनिक होते तो मैं तुम्हारी शिल्पकारी प्रेम नगर में जगह जगह प्रदर्शित करता। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस गौ माता की मूर्ति को अपने प्रेम नगर में कहीं अच्छी जगह लगवाऊंगा। तुम्हारी कला का इतना आदर तो करना ही होगा हमें। तो महाराज मुझे भी अपना प्रेम सैनिक बना लीजिए। महाराज मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। महाराज आज तक किसी ने भी मेरी कला की इतनी सराहना नहीं की जितनी आपने की है। और एक बात, सोचा था भगवान ने जीवन में मौका दिया तो भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति बनाऊंगा कि पूरी दुनिया उसे देखेगी। पर जो बात आज आपने कही है उसके बाद तो आप ही मेरे भगवान, आप ही मेरे भगवान। महाराज आपके प्रेम नगर के द्वार के लिए मैं चाहता हूं कि आपकी एक बहुत बड़ी मूर्ति बना। मेरी मूर्ति की क्या जरूरत है? नहीं महाराज, हम सब चाहेंगे कि आपकी मूर्ति वहां लगे। ठीक है, आप सबकी खुशी का सवाल है तो मैं मना कैसे करूं। बोलो सतेश्वर महाराज की जय। प्रेम सेना में तुम्हारा स्वागत है राजकिरण। आज से तुम्हारे सारे दुख दर्द हमारे हैं। तुम बोल नहीं सकती इसलिए कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन मल्हार के जाने का दुख तुम्हें भी हुआ है ना? मैं जानता हूं इससे मल्हार की कमी पूरी तो नहीं होगी, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आता तुम और मल्हार के आई बाबा एक दूसरे का सहारा है, इसलिए इनकी मदद करते रहना। आओ। मल्हार ने मुझे बताया कि तुम्हारी गाय खो गई थी, तुम मेरे पास मदद मांगने क्यों नहीं आए थे? महाराज आप तो मुझे जानते भी नहीं, आप मेरी मदद क्यों करते? यही तो हमारे महाराज की नेकी है। महाराज किसी को ना नहीं कहते, बल्कि जब मैंने इनको बताया तो इन्होंने और प्रेम सैनिकों के साथ मुझे तुम्हारी गाय ढूंढने भेजा। पीछे देखो। Thank you.
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।